और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूक्लियस, ठीक है, कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो सुने भाई, न्यूक्लियस क्या होता है? देखो, सेल के तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कोई भी सेल है, उसके तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो उसका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसका न्यूक्लियस, और उसका साइटोप्लाज्म। जो ये साइटोप्लाज्म, जो ये फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक जो ये फ्लूड कंटेंट प्रेजेंट होता है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये सेल के तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साइटोप्लाज्म जस्ट एक फ्लूड और जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन कैसे देंगे साइटोप्लाज्म की? साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूड सब्सटेंस, ठीक है, इज अ फ्लूड सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हमें बोलना है। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या है, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में बनाया जा रहा हूं। तो न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, बना देते हैं उसका डायग्राम। तो एक मेम्ब्रेन ये हो गई और एक मेम्ब्रेन हो गई इसके बाहर, ठीक है। ऐसे ही एक मेम्ब्रेन ये हो गई है और एक मेम्ब्रेन हो गई है इसके बाहर। सो ये है न्यूक्लियस और इसकी होती है दो मेम्ब्रेन, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पे डीएनए बहुत ही ज्यादा गाढ़ा मिलता है, एकदम कंडेंस मिलता है। कंडेंस मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा मिलेगा, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूड भी मौजूद होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूड सब्सटेंस मौजूद होता है, इसका भी कुछ नाम है, ठीक है। अब इन सब के नाम मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या है ये। तो ये जो लेयर है इसका कुछ नाम है, ठीक है, और ये जो अंदर डार्क सब्सटेंस है इसका भी कुछ नाम है। ये जो मटेरियल है इसका कुछ नाम है। ये जो पोर है इसका कुछ नाम है। ये जो फ्लूड है इसका भी कुछ नाम है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? बताइए। यस सर। अच्छा, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हेलो, हाँ जी, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, इसको मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को कि क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है।
ठीक है, ये है क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल को भी मैं बताऊंगा डिटेल में। और ये जो फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये आपको याद रखना कि न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बाद ये जो सब्सटेंस है जो बहुत ही ज्यादा डार्क है, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। ये है न्यूक्लियोलस। अब ये जो पोर है, अब देखो एक्चुअल में आप देखिए यहाँ पे ये दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एक तो है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जिस जगह पर ये आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है, जुड़ रही है, देखो जहां पे जाके ये जुड़ रही है वहां पे एक पोर फॉर्म हो रहा है, तो इस पोर को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। तो क्रोमेटिन मेटेरियल क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, कितनी मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, तो दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। ठीक है ना, ये याद रखना है। इसके बाद अब न्यूक्लियस को हम कंट्रोलर ऑफ द सेल बोलते हैं। कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ सेल, है ना, ये सेल की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जितने भी फंक्शन होते हैं सेल के, सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शन चलेंगी, जो कुछ भी चलेगा वो सब न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। ठीक है, न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ सेल। ठीक है, इट सर कंटेन्स हम बताएं दैट, थोड़ा इसका पॉइंट एक एक मिनट और आप मत न्यूक्लियस का। बताओ। जी सर, आप नहीं बताइए, मुझे थोड़ा पढ़ाई दीजिए सर, आप ऐसे ना करें सर। इट कंटेन्स जेनेटिक मेटेरियल, ये क्या करता है, जेनेटिक मेटेरियल को कंटेन करता है। ठीक है, जेनेटिक मेटेरियल। अब जेनेटिक मेटेरियल क्या होता है, ये बात आप लोग सोचें। हाँ जी बताइए, आप क्या बता रहे थे, बताओ जेनेटिक मेटेरियल क्या होता है। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, मैं इधर बता देता हूँ साइड में। ठीक है, तो देखो भाई जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। पेरेंट्स जो होते हैं हमारे, पेरेंट्स, ठीक है ना, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब जो बच्चे हैं हम लोग, ठीक है ना, ऑफ स्प्रिंग्स। तो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में कुछ कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना। इन कैरेक्टर को ट्रांसफर करने में एक मैटेरियल हेल्प करता है, इसको हम बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं, डीएनए। ठीक है, तो डीएनए को ही हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, क्योंकि डीएनए ऐसा सबस्टांस है जो कि कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है कहां से कहां, पेरेंट्स से उसके बच्चों में। आपने मूवी वगैरह तो देखी होंगी, डीएनए मैच करते हैं बच्चों का पेरेंट्स से कि ये ही इनके रियल बच्चे हैं या नहीं है। देखा है, नहीं देखा ऐसा कुछ बताइए। सीरियस देखा है हाँ, इसलिए। तो ये डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। जेनेटिक मटेरियल क्या काम करता है, कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। अब कौन से कैरेक्टर, जैसे कि आपकी आंखें या आपका स्किन का कलर या आपके बॉडी की जो हाइट है, ये कहीं ना कहीं मैच करती है आपके दोनों पेरेंट्स से। मैच करती है, नहीं करती, करती है ना। हाँ, तो सर हाँ ऐसे ही यस मेटेरियल को हम बोलते हैं जेनेटिक मेटेरियल, ठीक है ना, जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करा दे कहां से कहां तक, पेरेंट से उनकी ऑफस्प्रिंग तक। और इस जेनेटिक मटेरियल का नाम क्या है, डीएनए है। डीएनए की फुल फॉर्म मैंने आपको स्कूल में बताई थी, एक और बार सुन लीजिए।
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, ये है डीएनए की फुल फॉर्म। अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो न्यूक्लियस है इसको कंट्रोलर ऑफ द सेल बोलते हैं और इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। अच्छा, और चीजें सुने, इसके पास न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का यूज ये किस में करता है? तो न्यूक्लियर पोर का ये यूज करता है फॉर सेंडिंग मैसेज फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटसाइड। ये मैसेज को कहां से कहां भेजता है? न्यूक्लियस से बाहर की तरफ ये मैसेज भेजता है। मतलब जो भी मैसेज ये डीएनए या फिर ये न्यूक्लियस भेजना चाहेगा वो किसके थ्रू बाहर आएगा? वो मैसेज बाहर आएगा न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू, ठीक है। अच्छा, अब एक और केस है यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक केस समझाता हूँ आपको यहीं की है। चलो मैं ले लिया है, मैं सेंड कर दूंगा फिलहाल। अब ये न्यूक्लियस क्या है ये आप जान चुके हैं, सेल के लगभग सेंटर में मिलता है, एनिमल सेल के, प्लांट सेल में ये सेंटर में नहीं मिलता है, ठीक है। एक बात सुनिए यहाँ पे ध्यान से, अब ये मैसेज जाता कौन सी फॉर्म में है? देखिए, जो डीएनए है इसके पास हमारा मैसेज होता है, ठीक है, हमारी आंख अगर ऐसी, हमारा बॉडी कलर अगर ऐसा है, तो इन सब कैरेक्टर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इन सभी कैरेक्टर्स के लिए डीएनए रेस्पॉन्सिबल है, याद रखना। तो डीएनए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सच काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। अब मैंने डीएनए बनाया है, शायद स्कूल में मैंने समझाया हो, 10th क्लास में समझाया था, आप सुने, लेकिन ये डीएनए है, ये हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये जो मैं ऐसे घुमा घुमा के बना रहा हूं, ठीक है ना। तो आप देखिए, मैंने ब्लैक वाला रीजन बहुत ज्यादा बना दिया है और रेड वाला हिस्सा मैंने बहुत कम बनाया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था है एग्जाम में कि क्या क्या रीजन है, इनके नाम क्या है। तो जो रेड वाला हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जीन, इसको हम जीन बोलते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है ब्लैक वाला, ठीक है ना, ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है, इस ब्लैक वाले हिस्से का कुछ और नाम है जो कि मैं लिखने जा रहा हूं, इसको हम बोलते हैं नॉन फंक्शनल डीएनए, इसको हम बोलते हैं नॉन फंक्शनल डीएनए, इसको जंक डीएनए भी बोल देते हैं। ये कौन सा डीएनए है? ये है जंक डीएनए, ठीक है। अब डीएनए इस मैसेज को कौन सी फॉर्म में भेजता है? तो देखो भाई, डीएनए में ना दो स्ट्रैंड है, दो धागे दिख रहे होंगे आपको, एक तो ये धागा दिख रहा है, कि दिख रहा है ना, दो स्ट्रैंड है, तो इसीलिए डीएनए को हम बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड मॉडल। डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, क्योंकि डीएनए के पास दो स्ट्रैंड है, ठीक है ना। तो डीएनए हो गया डबल स्ट्रैंडेड। इसके बाद एक प्रोसेस चलती है जिसमें कि डीएनए से बनता है एक नया स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं आरएनए। डीएनए से एक स्ट्रक्चर बनेगी जो कि डीएनए की तरह ही दिखेगी, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होगा, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एमआरएनए, ठीक है ना। अब आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? तो हम बताएं, न्यूक्लिक एसिड। हाँ जी, सही है एकदम, इसको हम बोलेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ में आया बच्चों? आरएनए कहां से बन के आया है? डीएनए से बन के आया है, ठीक है ना। ऊपर में ये पूरा डीएनए ही तो है, डीएनए का वो हिस्सा जो आरएनए बनाता है उसी को हम फंक्शनल बोलते हैं। ये कौन सा हिस्सा हो गया डीएनए का? ये हो गया डीएनए का फंक्शनल हिस्सा। क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है ना। अच्छा, इस प्रोसेस का क्या नाम है जिस प्रोसेस से बन रहा है? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे?
ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। ठीक है, स्पेलिंग को क्लियरली लिख देता हूं आपके सामने अगर नहीं समझ में आई है तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से डीएनए से एमआरएनए बन गया। एमआरएनए की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है मैसेंजर आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म तो आप जानते हो, तो ये डीएनए का मैसेज जो होता है उसको कैरी करता है कहां से कहां तक? डीएनए के अंदर से, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर से न्यूक्लियस के बाहर तक। तो समझ में आया, अब डीएनए से बाहर क्या निकल के आएगा? डीएनए से बाहर निकल के आएगा एमआरएनए। क्या निकल के आता है डीएनए से बाहर? एमआरएनए। और एमआरएनए क्या करता है? डीएनए के मैसेज को कैरी करके लाता है। सुन गए यहां तक? एमआरएनए क्या है, कौन सी प्रोसेस से बनता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहां चलती है, जो ये एक्स्ट्रा है आपके लिए, ठीक है ना, ये चीज आपके लिए एक्स्ट्रा है। आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहां चलती है, न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के बाहर? आप खुद सोचें। देखो, डीएनए से आरएनए बन जाएगा न्यूक्लियस के अंदर और फिर इस आरएनए को अंदर से बाहर भेजा जाएगा। तो इसका मतलब है कि डीएनए से आरएनए कहां बनता है? ये बनता है न्यूक्लियस के अंदर। तो इसका मतलब है ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो कहां चलेगी? इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस। ये प्रोसेस कहां चलेगी? इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहां चलेगी? इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है? अच्छा, यहां तक मैंने बता दिया है। अब ये एमआरएनए इस सेल के अंदर उन सभी चीजों को बनवा देगा जो ये डीएनए बनवाना चाहता था। मतलब एमआरएनए से अब एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम बोलेंगे प्रोटीन। ठीक है ना, तो एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो एमआरएनए से जो ये चीज बनी है इसको हम बोलेंगे प्रोटीन। और एमआरएनए से प्रोटीन जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलेंगे। और ट्रांसलेशन कहां चलेगा? अब देखो, न्यूक्लियस के बाहर क्या मिलता है? साइटोप्लाज्म मिलता है। तो ये प्रोसेस कहां चलेगी? इन साइटोप्लाज्म। ना, साइटोप्लाज्म चलेगी ये प्रोसेस। तो यहां तक मुझे आपको बताना था कि जीन जो कि डीएनए का फंक्शनल हिस्सा होता है उससे क्या बनता है? आरएनए बनता है। और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और ये आरएनए कहां से निकल के आएगा बाहर? ये निकल के आएगा न्यूक्लियर पोर से। ये आरएनए कहां से निकल के आएगा बाहर? न्यूक्लियर पोर से। और न्यूक्लियर पोर का मैंने फंक्शन बताया था, ये क्या काम करता है? सेंड करता है मैसेज को न्यूक्लियस से बाहर की तरफ। बाहर क्या है इसके न्यूक्लियस के बाहर? साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में अगर इसको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो ये किसके थ्रू पहुंचाएगा? ये पहुंचाएगा न्यूक्लियर पोर के थ्रू। ठीक है ना, और न्यूक्लियर पोर फॉर्म कैसे होता है? न्यूक्लियर पोर फॉर्म होता है बाय द फ्यूजन ऑफ दीज टू मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। क्लियर है बच्चों यहां तक कॉन्सेप्ट? ये आप सेव कर ले। ठीक है ना, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। और ये चीजें आपको नॉर्मली बताएंगे नहीं हर कोई टीचर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और मैं अब आपको बताता हूँ कि क्रोमेटिन मेटेरियल का क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्रोमेटिन मेटेरियल क्या होता है। ठीक है ना, इसको अब हम जानेंगे और ये पूछ लेते हैं एग्जाम। ठीक है, अब हम जानेंगे क्रोमेटिन मेटेरियल। अभी तक हमने क्या जान लिया? न्यूक्लियर पोर को जान लिया है। न्यूक्लियोलस वो हिस्सा है जहां पे ये क्रोमेटिन मेटेरियल डेंस होता है। खैर, इसको भी अभी हम जानेंगे। एमआरएनए क्या, ये हमने जान लिया है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है बताइए? व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म? द फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। वो फ्लूइड सब्सटेंस जो किसके अंदर मिलता है? न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस को सराउंड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसमें दो लेयर होती है, कौन कौन सी होती है? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है ना, ये दो मेम्ब्रेन है इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद अब आगे बात करते हैं। अब मैं बताता हूं तुम्हें कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमेटिन मेटेरियल। ये क्रोमेटिन मेटेरियल क्या है सर, हम बताएं?
हाँ जी बताइए सर। मेटेरियल सर उससे बना होता सर, क्रोमोसोम से, और सर ये सर कंसिस्ट करता सर डीएनए एंड प्रोटीन को। सही बताया आपने, लेकिन ये क्रोमोसोम से नहीं बना होता है। अभी बताऊंगा मैं क्या होता है। देखो बच्चों, क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, आपको मैंने डीएनए बता दिया है, सेल के अंदर डीएनए मिलता है, ठीक है। ये डीएनए, ठीक है ना, इस डीएनए को आप एक थ्रेड लाके स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। अच्छा, मैंने अभी आरएनए बताया था आपको, थोड़ा सा मैं अभी टॉपिक को बैकवर्ड लेके जाऊंगा। आरएनए, आरएनए की फुल फॉर्म आपको पता है, दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। आरएनए के तीन टाइप होते हैं, ये भी आप अभी जान लीजिए जब आरएनए की बात आ ही गई है। तो आरएनए तीन टाइप के होते हैं, एमआरएनए, एम स्मॉल ए, ठीक है ना, फिर आता है टीआरएनए, और फिर आता है आरआरएनए, ठीक है ना। एमआरएनए की फुल फॉर्म है मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए की फुल फॉर्म है ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए की फुल फॉर्म है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है ना। अच्छा, टीआरएनए क्या काम करता है, टीआरएनए ट्रांसफर का काम करता है। देखो, मैसेंजर आरएनए तो डीएनए के मैसेज को कैरी करके रखता है, टीआरएनए इस एमआरएनए को लेकर के आएगा कहाँ पे, राइबोसोम के पास, ठीक है ना। राइबोसोम कहाँ लेकर आएगा, राइबोसोम के पास लेकर के आएगा। तो एमआरएनए को न्यूक्लियस के अंदर से राइबोसोम तक कौन लेकर के आएगा, इसको कौन ट्रांसफर करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा टीआरएनए, टीआरएनए इसको पकड़ के और ट्रांसफर करता है राइबोसोम तक। बाकी की जो काम है वो राइबोसोम कर देगा खुद। फिलहाल यहां समझें, ये है डीएनए, और डीएनए न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटीन से लिपटा हुआ पड़ा रहता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कोई प्रोटीन बना दिया हिस्टोन, और डीएनए को आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर समझें, तो इस तरह से लिपटा हुआ होता है, ठीक है ना, इस तरह से लिपटा हुआ होगा ये जो डीएनए है, इस प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा हुआ होगा। इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन, इसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है ना, इसके चारों तरफ लिपटा हुआ पड़ा होगा। आप जब पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, ओवरऑल पूरे डीएनए को देखेंगे, तो हिस्टोन प्रोटीन आपको बहुत सारे देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर, और उसके चारों तरफ डीएनए इस तरह से लिपटा हुआ पड़ा दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। ये डीएनए इस तरह से लिपट जाएगा चारों तरफ, और आपको एक ऐसी स्ट्रक्चर दिख रही है कि ये दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि मोतियों की माला हो, अगर आप इसको दूर से देखेंगे तो। ये मॉडल इस तरह से लिखेगा, जिसको हम बोलेंगे बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। मोतियों की माला देखी है आपने? यस सर। तो डीएनए किससे चारों तरफ लिपटा हुआ होता है, डीएनए लिपटा हुआ होता है हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ, ठीक है ना। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल दिखेगा, और इसी को हम बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन मटेरियल बोलेंगे, ठीक है ना। तो क्रोमैटिन मटेरियल क्या है, ये आपको पता चल चुका होगा कि क्या होता है क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। अब इस बच्चे ने बताया कि क्रोमोसोम से बना होता है, नहीं, देखो क्रोमैटिन मटेरियल से क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक है ना। फिलहाल उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सेल हमें दो कंडीशन में देखने को मिल सकती है, सेल की हमें दो कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। सेल हमें दो कंडीशन में देखने को मिलेगा, अगर मैं इसको एक टेबुलर फॉर्म में दिखाऊं, मतलब बहुत कम चांस है कि सेल मुझे डिवाइड होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, डिवाइड होता हुआ दिखाई देगा, और बहुत ज्यादा चांस है कि सेल मुझे डिवाइड होता हुआ नहीं दिखेगा, मतलब नॉन डिवाइडिंग, मतलब डिवाइड होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज की है,
अच्छा ये मैं चार्ट बस ऐसे बना रहा हूँ जैसे कि टेबल, अगर मैं बताऊं कि हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन होती है तो मैं इस तरह सर्कल का यूज करूंगा नहीं करूंगा, और 21% ऑक्सीजन है तो मैं ऐसे ही दिखाऊंगा उसको। इस तरह के ग्राफ आपने देखे हैं? यस सर। दोबारा बोलना। यस सर। देखिए सेल जो कोशिका है, जो सेल है उसके बहुत ज्यादा चांस है कि वो डिवाइड ना कर रही हो, बहुत कम चांस होते हैं कि मुझे सेल डिवाइड होती हुई दिखे, तो उसको मैंने कम कॉलम में ले लिया, बहुत कम कॉलम में ले लिया, ठीक है ना। जैसे कि एयर के अंदर ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है, 21, तो मैं ग्राफ में इस तरह से दिखाऊंगा जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है, और नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है तो उसको मैं इस तरह से दिखाऊंगा बहुत ज्यादा मात्रा में। क्लियर है ना? अब समझ आया मैंने ये सर्कल ऐसा क्यों बनाया है? क्लियर है? तो नॉन डिवाइडिंग फेज, हाँ जी थैंक यू। अब नॉन डिवाइडिंग स्टेज, हाँ जी, सेल का जो नॉन डिवाइडिंग स्टेज होती है, मतलब जिस स्टेज में सेल डिवाइड नहीं करती है, उसको हम बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलेंगे उसको हम? इंटरफेज। और सेल जब डिवाइड करती है उसको हम बोलते हैं एम फेज। उसको हम क्या बोलेंगे? एम फेज बोलेंगे। और ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा है, ठीक है। फिलहाल आप यहां तक सोचे, सेल जब डिवाइड नहीं करती है, मतलब बहुत ज्यादा चांस है कि सेल डिवाइड नहीं कर रही है, मतलब जब सेल डिवाइड नहीं करती है उस टाइम पर सेल के अंदर हमें क्या दिखता है? उस टाइम पर सेल के अंदर हमें क्रोमेटिन मटेरियल दिखता है, ठीक है ना। और जब सेल डिवाइड करेगी उस टाइम पर क्या दिखेगा वो मैं बता देता हूं। सेल जब डिवाइड करेगी उस टाइम पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगी जिसको कि हम बोलेंगे क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम, ठीक है ना। अब ये क्रोमोसोम कैसे बना, ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा। क्रोमोसोम नाम तो सुना होगा बच्चों, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम बोलेंगे। अब क्रोमोसोम बना कैसे? क्रोमोसोम बनता है जब ये क्रोमेटिन मेटीरियल बहुत ज्यादा पैक होगा, जिसमें क्या होगी, बहुत ज्यादा पैकिंग होगी। पैकिंग में, पैकिंग का मतलब है जब हम डीएनए को लपेटेंगे और ज्यादा प्रोटीन से, जब हम डीएनए को और ज्यादा प्रोटीन की मदद से लपेटेंगे, वो कौन कौन से प्रोटीन का हम यूज करेंगे? और ज्यादा हिस्टोन प्रोटीन का यूज करेंगे, और साथ ही साथ कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का भी हम यूज करेंगे। एनएचसी की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, एनएचसी की फुल फॉर्म है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है ना, नॉन हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, नॉन हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो आप याद रखिएगा कि क्रोमेटिन मटेरियल से ही क्या बनता है? क्रोमोसोम बनते हैं। क्लियर है ना? क्रोमोसोम से क्रोमेटिन मटेरियल नहीं बनते हैं, क्रोमोसोम किससे बनते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल से बनते हैं। मतलब जब सेल, देखो बच्चों अभी तो सेल डिवाइड नहीं कर रही है, ठीक है ना, अभी तो सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा कंडीशन आ सकती है कि ये सेल क्या करने लग जाए, ये सेल डिवाइड करने लग जाए, ठीक है ना। तो जब ये सेल डिवाइड कर रही होगी उस दौरान उसके अंदर क्या दिखेंगे? क्रोमोसोम दिखेंगे, ठीक है। और जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होगी तब क्या दिखेंगे? तब उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल दिखेगा। अब क्लियर हुआ क्रोमेटिन मटेरियल एक्चुअल में कैसे दिखता है, वो मैंने बता दिया, बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह दिखता है, हिस्टोन प्रोटीन चारों तरफ लिपटा हुआ होता है डीएनए, है ना, देख लिया आपने। और इसी को हम क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। और ये कब दिखेगा? जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होगी, और लेकिन जब सेल डिवाइड करेगी जिसको हम एम फेज बोलते हैं, तब ये ही क्रोमेटिन मटेरियल क्या हो जाएगा? और ज्यादा पैक हो जाएगा और क्या बना देगा? क्रोमोसोम बना देगा। क्लियर है? और क्रोमोसोम बनाने में प्रोटीन कौन कौन से लगेंगे? हिस्टोन प्रोटीन तो लगेगा ही, जो कि पहले भी लग रहा था, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी लगेगा। अब सुनो यहां पे, ये केस एकदम ऐसा है, मान के चलो, बहुत ही लोकल एग्जांपल दूंगा अब मैं आपको, यहां समझा देता हूं, इधर इधर समझा देता हूं, ठीक है। आपके घर में सर्दियों में जो मम्मियां हैं वो क्या करती है? स्वेटर बुनती है? नहीं बुनती? बुनती है ना। अच्छा,
मार्केट से ऊन लेकर के आते हैं हम, ऊन जान ऊन जानते हो ऊन सर? यस। तो ऊन अगर पूरे रूम में ऐसे ही पड़ा हो, ऐसे ही पड़ा हो, यस सर। अच्छा ऊन को छोड़ो, और कॉमन एग्जांपल लेते हैं। अच्छा ऊन ही समझ, ऊन तो सबको पता है ना ऊन क्या होता है? यस सर। हाँ, इस ऊन को ही sir. इस ऊन को पैक करके हम क्या बनाते हैं, एक गोला टाइप बनाते हैं, नहीं बनाते है ना? yes, तो बस ऐसे ही तो पैक हो गया है। अच्छा एक मैंने टर्म बताई थी आपको, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस yes, न्यूक्लियोलस भी क्रोमेटिन मटेरियल से ही बनेगा, ठीक है ना? जहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा पैक होगा, बहुत ज्यादा डार्क, बहुत ज्यादा अच्छे से पैक होगा, वहां पे ये न्यूक्लियोलस बन जाएगा, ठीक है ना? अच्छा इसके बाद अब मैं आपको एक केस समझाता हूँ। देखो मान के चलो आपने सर्दियों सॉरी रक्षाबंधन के टाइम पे पतंग उड़ाते होंगे, है ना? पतंग सभी ने उड़ाई है। यस सर। पतंग का जो ये थ्रेड होता है, जो ये मांजा या रील जो कुछ भी है, ये ऐसे ही पड़ा है, इसको किसके चारों तरफ लपेटते हैं हम? सर एक वो पेचक टाइप होता है बड़ा सा। हाँ लोकल लैंग्वेज उसको हुचका बोल देते हैं ना, ठीक है? तो इस चारों तरफ लपेटते हैं हम, लपेटते हैं इस डीएनए को इस चारों तरफ, मतलब इस मांझे को, इस धागे को इस चारों तरफ लपेटेंगे हम। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो जैसे हम हाँ ऐसी तरह से डीएनए को लपेटा जाता है, ठीक है ना? और ज्यादा पैक करने के लिए हमें ज्यादा हिस्टोन प्रोटीन लगेंगे, ये ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया पैकिंग कैसे हो रही है? बस लपेट लपेट कर पैकिंग हो रही है, क्लियर है? अगर हम इसको ऐसे ही अनपैक छोड़ दे तो ये इलज जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, टूट जाएगा, कुछ भी हो सकता है इसके साथ, ठीक है ना? लेकिन इससे बचाने के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो किसी का हाथ या फिर पैर कटने का डर रहता है। अरे वो कोई बात। अच्छा यहाँ तो जो पढ़ा समझ में आ गया कैसे क्रोमोसोम बनते हैं, कैसे क्रोमेटिन मटेरियल बनता है, समझ में आ गया? हाँ, और ट्यूशन वगैरह की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ट्यूशन वाले आपको कंफ्यूज कर देंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ठीक है? और ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा,